व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। देखिए, कई सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, बोल रहे थे कि सर कम से कम आप लोग वीक में दो वीडियो लेकर आइए जिसमें हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किया करें। एक तो आप लोगों को पता है संडे में हमारी वीडियो आती है जिसमें मैं पॉलिटिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करता हूं जो पास्ट में आ चुके हैं या फिर फ्यूचर में जिनके आने की एक्सपेक्टेशन होती है। इसके अलावा वीक में आप लोगों को एक वीडियो और मिल जाया करेगी क्योंकि आप सभी लोगों के अभी एग्जाम भी पास में आ रहे हैं और मैं सोच रहा हूं आज तो नहीं है, आगे आने वाली वीडियो में पॉलिटी के साथ में दूसरे सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन में इसमें इंक्लूड करना स्टार्ट कर दूं या फिर करंट अफेयर के भी क्वेश्चन इंक्लूड करना स्टार्ट कर दूं। अगर आप लोगों को ये सही लग रहा है आइडिया तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर सही नहीं लग रहा है तो भी बताइएगा। सही लग रहा है अगर आप लोग चाहते हैं तो ये सही लिखिएगा कि कमेंट बॉक्स में कि हाँ इंक्लूड करने हैं, अगर चाहते हैं कि नहीं इंक्लूड करने ओनली पॉलिटिकल डिस्कशन करना है तो नो लिख दीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। मुझे पता चल जाएगा कि जैसे आप लोगों को क्या चाहिए उस हिसाब से मैं आप लोगों को यहाँ क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, संडे में तो आप लोगों को पता ही, आप लोगों की एक वीडियो आती है उसमें भी कहेंगे तो उसमें भी मैं इंक्लूड कर दूंगा, पहले पॉलिटी निपटा लेते हैं, पर लेकिन वीक में जो वीडियो लेके आया करूंगा बीच में उसमें आप लोगों को मिक्स क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। ओके, आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो का आप लोग सबसे शानदार तरीके से यूज इस तरीके से कर सकते हैं, जब भी आप लोग क्वेश्चन दिखे वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और उसके बाद में आप लोग को आगे बढ़ना है, तब जाके आप लोग को एक्सप्लेनेशन सुनना है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद में नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग कितने मार्क्स हैं, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के आइए अब आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आइए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको डे बाय डे की लाइफ में भी यूज कर सकते हैं, तो इस तरीके की बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। नॉर्मली अगर किसी के साथ में कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो वो FIR दर्ज कराने जाता है, तो उसी के बारे में यहाँ पर ये आर्टिकल है। इसको मैं अच्छे से डिस्कस भी कर चुका हूं जब आप लोगों को फंडामेंटल राइट पढ़ा रहा था, उस टाइम पर हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। बात की जा रही है जब यहाँ पर कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मतलब एक ऐसा ऑफेंस है जो कि सीरियस हो, किसी का मर्डर कर दिया गया है या आप लोगों को देखने को मिला किडनैपिंग कर दी गई है, रेप कर दिया गया है, किसी को डेथ की थ्रेट दी गई है, तो इस तरीके का कोई ऑफेंस किया गया उसको बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो अगर कोई यहां पर FIR दर्ज कराने जाता है तो यहां पर उसको यहां पर कंपलसरी किया जाता है कि उसकी FIR दर्ज की जाए। जी हाँ, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोली गई यहां पर, तो पहला स्टेटमेंट यहां पर सही है। सेकंड बात क्या बोली गई यहां पर कि जो FIR है वो रजिस्टर नहीं किया जा सकता विदाउट ओरल टेस्टिमनी, तो ऐसा नहीं है, दोनों ही तरीके से रिटर्न में भी और ओरल में भी दोनों ही तरीके से आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा FIR को यहाँ पर दर्ज कराया जा सकता है। ऐसा कोई भी यहाँ पर कंपलसरी प्रोविजन नहीं है कि यहाँ पर उसको रिटर्न में ही चीजें होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट बात बोली गई है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ऐसा कुछ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया गया है कि हमको यहां पर कॉपी मिलनी चाहिए FIR की, ठीक है, ये बाद में आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे जैसे हमारे यहां पर प्रोविजन आते जाते हैं वैसे वैसे उनको चेंजेस करते जाते हैं और ऐसे ऐसे इनसे रिलेटेड एक्ट बनते जाते हैं, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर। अगर आप लोग नॉर्मल भी तरीके से इसको देखेंगे तो आप लोग समझ पाएंगे, अगर आप लोग दो चार वर्ड का मीनिंग जानते हैं, जैसे कॉग्निजेबल क्या हो गया, इस तरीके का नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या हो गया। अगर बात करें कॉग्निजेबल तो मैंने आप लोगों को बता दिया, इसी तरीके से आप लोगों को पूछना चाहिए कि नॉन कॉग्निजेबल क्या होते हैं, जैसे किसी को असोल्ट कर दिया, किसी के साथ में चीटिंग कर ली, तो इस तरीके के ऑफेंस आप लोगों को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस देखने को मिलेंगे। ओके, तो इसका आंसर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा बी। आइए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के बारे में, आप लोगों के लिए यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की जा रही है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया है वो डिटरमाइन करता है क्या रिलेशनशिप है हमारा इंडिया का सिटीजन होने के नाते हमारी टेरिटरी के साथ में। आप लोगों ने सुना होगा यूनियन टेरिटरी, नॉर्मली वर्ड सुनते हैं यूनियन की टेरिटरी या फिर हमारी कंट्री की टेरिटरी, जिसमें हमारे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये भी एरिया आ जाता है जो कि वाटर में होता है, ठीक है, तो टेरिटरी ऑफ इंडिया उसमें कंप्लीट आ जाता है। जिस तरीके से सात यूनियन टेरिटरी है तो वो भी यूनियन के अंडर में ही रहेंगी। इसके अलावा जो बाहर का एरिया है जो आप लोगों को देखने को मिलेगा ओशियन में जाता है, मतलब जो तट रख सकता है एरिया जो हमारा देखने को मिलता है वहां भी आप लोगों को देखने को मिलेगा वो इंडिया की टेरिटरी होता है। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट रखा गया है, तो वो हमारे जो कंट्री के सिटीजन है उसका रिलेशन बताता है कि हमारे टेरिटरी के साथ में क्या रिलेशन है और कौन इंडिया का सिटीजन है और कौन इंडिया का सिटीजन नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये डिटरमाइन करता है कि क्या क्या रिलेशन है हमारे सिटीजन के हमारी कंट्री के साथ में और हमारी टेरिटरी के साथ में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गई, पहली स्टेटमेंट हो गई यहां पर सही। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला गया है कि ये लिमिट करता है पावर ऑफ द गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बोली गई है। फंडामेंटल राइट में ये स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को डिटेल में बताई थी काफी अच्छे से एक्सप्लेन करके कि देखिए फंडामेंटल राइट का मतलब ही ये होता है कि इंडिविजुअल को राइट देना। पार्ट थर्ड में 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट रखे गए हैं, उसका मतलब ही ये बोला गया कि इंडिविजुअल को राइट देना और ताकि गवर्नमेंट तानाशाह न बन सके और गवर्नमेंट को कंट्रोल में रखा जा सके। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट करता है गवर्नमेंट की पावर को भी और उसके क्रियाकलाप को डिफाइन करता है, मतलब वो ऐसा नहीं है कि किसी भी तरीके से वो अपने हिसाब से अपना काम करते रहे, एक फ्रेमवर्क तैयार करके देता है कि इस तरीके से आप लोगों को वर्क करना है और इस ढांचे में आप लोगों को अपनी कंट्री को आगे लेके चलना है, ठीक है, तो ये भी आप लोग यहां पर याद रखिएगा। तो स्टेटमेंट क्या दोनों सही हो गए यहां पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात की गई है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में। आप लोगों को देखने को मिलेगा कि स्टार्टिंग में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि हमने हर एक कंट्री का जो सिटीजन है उसको एडल्ट, उसको यहाँ पर हम लोगों ने यूनिवर्सल फ्रेंचाइज दे दी, मतलब स्टार्टिंग में ही, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। मतलब आप लोगों को देखने को मिलेगा ये वर्ड थोड़ा सा यूके और यूएसए में, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन आने के बहुत बाद में जाकर उनको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज प्रोवाइड कराई गई थी। पर आप लोग देख सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन निर्माताओं ने कितना इसको अच्छे से किया, स्टार्टिंग में उन्होंने हमारी कंट्री में ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज प्रोवाइड करा दी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हमारी कंट्री के जो लीडर थे उन्होंने इसको कितना पॉजिटिवली लिया, क्योंकि वो जानते थे भले ही हमारी कंट्री में लिटरेसी कम है पर लेकिन वो समझ रहे थे, वो ट्रस्ट कर रहे थे हमारे सिटीजन पे कि आने वाले टाइम में यही खुद से डिसाइड कर पाएंगे किस तरीके का हमारा भविष्य होना चाहिए। इसलिए हमारी कंट्री में गारंटी दी जाती है आप लोगों को देखने को मिलेगा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की। स्टार्टिंग में ये 21 साल एज की गई थी कि 21 साल या 21 साल से ऊपर के जो इंसान है उनको यहाँ पर रखा जाएगा इसके अंदर, लेकिन बाद में इसको आप लोगों को देखने को मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन में 61st अमेंडमेंट किया गया, उसमें जो 8 थी उसको घटा के यहाँ पर 18 साल कर दिया गया। पहले 21 साल हुआ करती थी फिर इसको 18 साल कर दिया गया। ओके, तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, तो क्या हो गया, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम लोगों ने बात की थी, 4-5 लेक्चर मैंने आप लोगों से इससे रिलेटेड ली थी, टोटल डिटेल में आप लोगों डिस्कशन हम लोगों ने किया था ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की नींव रखी गई थी, बाद में कैसे नींव रखी गई थी, वो लेक्चर आप लोग सारे जाकर देख सकते हैं। वीडियो के नीचे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, सारे लेक्चर्स का वहां पर जाकर स्टार्टिंग में आप लोगों को मिल जाएंगे। बात की जा रही है कि कैबिनेट जो मिशन था 1946 कौन सी इसमें से उसकी रिकमेंडेशन नहीं थी, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा डिविजन ऑफ द इंडिया टू नेशन के रूप में, मतलब इसका यहां पर बोला गया था कि हमारी कंट्री को दो पार्ट में डिवाइड कर दो। बिल्कुल गलत है फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर, मतलब क्या है, कैबिनेट मिशन ने ये नहीं बोला था कि हमारी कंट्री को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, ये इस तरह की कोई भी रिकमेंडेशन कैबिनेट के द्वारा नहीं दी गई थी। ये डिमांड मुस्लिम लीग के द्वारा रखी गई थी और कैबिनेट ने मना कर दिया था इस तरीके की रिकमेंडेशन देने के लिए, वो अनडिवाइडेड इंडिया चाहता था, कैबिनेट मिशन जो 1946 का था। तो ये फर्स्ट यहां पर सही बात नहीं है, रिकॉग्नाइज करना था इंडिया का राइट किसके यहां से सेड करने के लिए, कहां से, कॉमनवेल्थ। तो कॉमनवेल्थ वे कंट्री थी यहां पर जो यहां पर ऑलरेडी यहां पर पहले गुलाम रह चुकी थी यहां पर ब्रिटेन की, तो ये भी यहां पर स्टेटमेंट सही थी। तो इस तरीके से फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गई। नेक्स्ट बात क्या बोली गई थी कि यूनियन जो यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट रहेंगी और जो लेजिस्लेचर रहेंगे उनके पास में लिमिटेड पावर रहेगी पर ग्रेट ऑटोनॉमी रहेगी, जी हाँ ये भी बात यहाँ पर बोली गई थी। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म की जाएगी आगे आने वाले टाइम में, रिप्रेजेंटेटिव जो प्रोविंशियल असेंबलीज या फिर प्रिंसिपल स्टेट यहाँ पर इसको फॉर्म करेंगे मिलकर। तो ये सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलेंगी कैबिनेट मिशन के बारे में। कैबिनेट मिशन के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं, एक बार जाके इसको आप लोग देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा क्या क्या बातें और कई सारी रिकमेंडेशन यहाँ पर इसके द्वारा दी गई थी। इस तरीके क्वेश्चन भी कई बार आते हैं और आप लोग कई बार कंफ्यूजन हो जाते हैं यहाँ पर, जो हमारी कंट्री में जो सेंसस तैयार किया जाता है, लास्ट सेंसस हमारी कंट्री में 2011 में आया था, नेक्स्ट वाला 2021 में आने वाला है। तो जो सेंसस हमारी कंट्री में तैयार किया जाता था आप लोगों को देखने को मिलेगा उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है कि कौन कंडक्ट कराता है इसको और कौन एडमिनिस्टर कराता है। नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा यार बहुत बड़ा काम है प्लानिंग से किया जाता है, तो पहली स्टेटमेंट होगी जी नहीं बिल्कुल गलत है। दूसरी आप लोगों के माइंड में आएगी कि बहुत सारी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है कि डेटा इकट्ठा करना होता है, बहुत सारे प्रोग्राम करने होते हैं उसके बाद में, तो आप लोग सोचेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स एंड इंप्लीमेंटेशन की बात होगी, बिल्कुल भी नहीं है। तीसरी स्टेटमेंट भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ये जो लास्ट वाली स्टेटमेंट है कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की बात की जाती है, क्यों, क्योंकि यहां पर देखने को मिलेगा कि इतनी सारी बातें की जाती है, ये तबका नीचे, ये तबका थोड़ा यहां पर पिछला हुआ है, ये थोड़ा उभरा हुआ है, कई सारी बातें यहां पर की जाती है, कौन पीछे रह गया कौन आगे रह गया, क्या क्या यहां पर लिटरेसी रेट है, तो हो सकता है ये इसमें हो, जी नहीं ये इसमें भी नहीं है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं कि कौन सा फंडामेंटल राइट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए। तो बात क्या की जा रही है कि वो अपने जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी है उसको इनहेरिट कर सकते हैं, ठीक है, तो ऐसा कुछ राइट है यहाँ पर, बिल्कुल गलत बात बोलेगी, ऐसा कोई भी राइट नहीं है। कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं, जो राइट टू प्रैक्टिस है, जो अपने रिलीजियस बिलीफ है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, पर ऐसा कुछ नहीं है कि जो उनके पूर्वजों की प्रॉपर्टी थी वो उसको भी यहां पर इनहेरिट करेंगे और आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से तो बहुत कुछ यहां पर नजर आएगा, पता चला कि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है बहुत बड़े जमींदार है या फिर कुछ भी है, तो सारी जमीन अपना लेते हुए आगे बढ़ेंगे, उनका फंडामेंटल राइट हो जाएगा, तो फिर कोई उस जमीन पर कुछ कर ही नहीं पाएगा, तो ऐसा कोई भी राइट नहीं है यहां पर। हाँ बाकी के तीनों राइट है, तीनों राइट आप लोग याद रख सकते हैं, फंडामेंटल राइट उस टाइम पर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, उस टाइम पर ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को डिटेल में बताई थी, तो थोड़ा सा आप लोग इसका ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल यहां पर बात की जा रही है कि कौन सा यहां पर प्रोपोगेट करता है सोशल और मोरल वैल्यूज, इन सब में आप लोगों को देखने को मिलेगा।
तो ये सारे ही आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलेगा। फंडामेंटल राइट की बात कर लीजिए, प्रीएम्बल की बात कर लीजिए, डीपीएसपी की बात कर लीजिए या फिर फंडामेंटल ड्यूटी की बात कर लीजिए, तो चारों के चारों आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर सोशल और मॉरल वैल्यूज यहाँ पर आप लोगों को एडवांस करते हुए नजर आएंगे। आप लोगों को देखने को मिलेगा फंडामेंटल राइट में हमारी ड्यूटीज बताई जाती है, क्या क्या हम लोगों को करना चाहिए। प्रीएम्बल में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कई तरीके जस्टिस की बात की जाती है, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस की कई सारी बात की जाती है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी में भी आप लोगों को कई सारे ऐसे उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलेंगे, खासकर अगर बात की जाए तो गांधीयन प्रिंसिपल की, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा वहां पर इसको आगे बढ़ाया जाता है। और फंडामेंटल राइट में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा इस तरह की बातें की जाती है कि हम लोगों को कहीं ना कहीं अपनी सोसाइटी को एक अच्छे लेवल की सोसाइटी बनानी है, अपने राइट के साथ साथ में हम लोगों को अपनी ड्यूटीज भी याद रखनी है। तो ये सारी ही बातें आप लोगों यहां पर नजर आएगी, सारी ही वैल्यूज आप लोगों को नजर आएंगी इन चारों के अंदर। तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे जब भी कहीं पूछे जाते हैं तो इन सारे पार्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों के सामने निकल कर आते हैं। तो आंसर क्या हो गया यहां पर, इसका आंसर हो गया डी। हालांकि ये क्वेश्चन आप लोगों का अभी आगे कवर होगा, अभी पार्लियामेंट वाला चैप्टर में अभी कवर करूंगा, बाकी का आधा कवर कर चुका हूं, आधा बचा हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, पार्लियामेंट का लेक्चर स्टार्ट किया जाएगा आगे से, ज्वाइंट सिटिंग तक मैं उसको कवर कर चुका हूं अभी देखने को मिलेगा। तो यहां पर पार्लियामेंट की जो कमिटीज होती है उसके बारे में डिस्कस किया गया है यहां पर, तो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की कमेटी का डिस्कस किया गया, इसके बारे में डिस्कस किया गया, क्या ये यहां पर एग्जीक्यूटिव की एक्टिविटी को स्क्रूटिनाइज करती है? जी हाँ बिल्कुल करती है। गवर्नमेंट का जो एश्योरेंस दिया जाता है यहां पर टेबल जो यहां पर हाउसेज में जो एश्योरेंस दिए जाते हैं उसको देखती है, क्या क्या बातें बोली गई है। जी हाँ, जो भी यहां पर पेपर वगैरह टेबल पर रखे जाते हैं उनके सारे बारे में डिस्कस करती है, तो हाँ उसके बारे में भी डिस्कस करती है। इसका यहां पर आंसर डी होगा। आप लोगों को डिटेल में मैं इसको लेक्चर में पढ़ाऊंगा, अभी आप लोगों का पोर्शन बचा हुआ है। थोड़ा सा स्टूडेंट जो यहां पर इस लेक्चर को सुन रहे होंगे अभी, हो सकता है आप लोगों के माइंड में ज्यादा क्लियर नहीं रहे क्वेश्चन, पर लेकिन जब आप ये लेक्चर सुन लेंगे कमिटीज वाला, जब मैं डिस्कस कर लूंगा उसके बाद में आप लोगों को एक एक बात यहां पर क्लियर समझ में आ जाएगी कि ये कौन कौन सी कमिटी होती है, कौन कौन इसको गठन करता है, कौन कौन इसके मेंबर होते हैं, सारी बातें मैं आप लोगों को यहां पर डिटेल में आगे भी कराने वाला हूं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जा चुका है और आप लोगों को इसको डिटेल में बता भी चुका हूं जब मैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आप लोगों को पढ़ा रहा था। तो बात की जाती है हु अमंग द फॉलोइंग यहां पर ये इसका चेयरमैन बनाया जा सकता है, तो इस तरीके का वर्ड कई बार लिख दिए जाते हैं कि कोई भी या फिर ओनली, तो यहां पर ओनली आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा जब ओनली बात आती है यहां पर। तो बात की जा रही है यहां पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा एक्ट 1993 में यह निकल के आया था, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओनली यहां पर इसको चेयरमैन बनाया जा सकता है। हालांकि कई बार बात चलती रहती है इसको प्रोविजन को चेंज करने की, अभी कुछ दिनों पहले और बात चल रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज को भी यहां पर बनाया जा सकता है, ठीक है, तो यह भी बात चल रही थी, पर लेकिन अभी जो फिलहाल अभी जो प्रोविजन है वो यही है अभी यहां पर, तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है ये मैंने आप लोगों को सबोर्डिनेट को, पहले आप मैंने आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया, फिर आप लोगों को हाई कोर्ट पढ़ाया, उसके बाद में सबोर्डिनेट कोर्ट पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, उसके बाद में हम लोगों ने फैमिली कोर्ट डिस्कस किया था, उसके बाद में हम लोगों ने नीचे वाली जो लोक अदालत होती है वो सारी चीजें डिस्कस की थी, तो सबोर्डिनेट कोर्ट भी उसमें एक पार्ट हुआ करता था। तो बात की जा रही है कि कौन सी रिट्स यहां पर एग्जामिन करती है फंक्शनिंग ऑफ द सबोर्डिनेट कोर्ट, तो ये आप लोग याद रखते हैं, ये सी आंसर इसका। और ये सारी मैं आप लोगों को डिटेल में बता चुका हूं आर्टिकल 32 जब मैंने आप लोगों के लिए कंप्लीट एक लेक्चर लिया था, वो भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। देखिए रिवीजन करेंगे तो आप लोग क्वेश्चन आसान लगते रहेंगे, वरना आप लोगों को ये टफ लगेंगे, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा अगर इसका रिवीजन करते हुए आप लोग चलेंगे मेरे साथ साथ में तो आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ गड्डी जो है हमारी सही डायरेक्शन में जा रही है, पर लेकिन अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर आप लोगों के लिए टफ हो जाएंगी थोड़ी चीजें और आप लोगों को लगेगा कि पता नहीं क्या चल रहा है यहां पर। तो इस तरीके से कोशिश कीजिए कि रिवाइज करते रहिए चीजों को ताकि आप लोग कंफर्टेबल फील करें जब भी यहां पर आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर दें, और एग्जाम में भी आप लोग कंफर्टेबल फील करेंगे अगर यहां पर कंफर्टेबल फील करेंगे तो। तो सारे लेक्चर देख सकते हैं, सारे लेक्चर्स के लिंक आप लोगों को मैं नीचे कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, जोन जोन से भी आप लोगों को डाउट है जाकर उसको देख सकते हैं। 10 क्वेश्चन टोटल हमने डिस्कस किए, बताइएगा 10 में से आप लोग कितने मार्क्स आए हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप लोग चाहते हैं कि क्या वीडियो यहां पर डिस्कशन आगे चलती रहे उसमें आप लोग बताइएगा कि क्या मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इसमें डालूं या फिर पॉलिटिकल ही आप लोगों को डिस्कशन करना है, मैं इसमें करंट अफेयर या फिर दूसरे सब्जेक्ट भी इसमें क्वेश्चन डालूंगा अगर आप लोगों को अच्छा लगता है। अगर चाहते हैं यस लिखे नीचे, अगर नहीं चाहते हैं कि पॉलिटिकल करें तो नो लिख सकते हैं, आप लोग यहां पर इंडिपेंडेंट है, अपने फंडामेंटल राइट यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल डेमोक्रेसी है यहां पर, आप लोगों को जैसे सुटेबल लगे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।